Hello dear students, myself Om Sharma and I am glad that you are watching this video. This video is only for the sincere students of IIT JEE 2021 who are aiming for IIT JEE Advanced. So guys, अगर आप एडवांस की तैयारी के लिए हैं, आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, चाहे जो भी फोर्थ अटेम्प्ट का रिजल्ट आए, जो भी हमारी जेई मेंस की फाइनल रैंकिंग सिस्टम आए, अगर आप उन सब को ध्यान ना देते हुए अगर आपका मेन फोकस अभी भी जेई एडवांस के ऊपर है, तो ये तो आपको पता है कि वो से क्वालिफाइंग एग्जाम है जेई मेन। तो जेई एडवांस के लिए अगर आप भी आज के अंदर उतना ही जोश है जितना आपके अंदर जब था जब आपने क्लास टेंथ के अंदर साइंस मैथ्स लेने की सोची थी, उस दिन के जोश को आप याद रखिए, याद करिए, तो आप तो उतना ही जोश अब हमें चाहिए क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ एक महीना बचा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अब आपको करनी है वो ये है कि जो भी आपके जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने चैप्टर वाइज हो सकते किए हुए हों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि आपको पूरा पेपर एक साथ अटेम्प्ट करना है, स्पेशली लास्ट 10 to 12 इयर्स के पेपर्स जरूर आप अटेम्प्ट करने, और ऑफिशियल पेपर आप अटेम्प्ट करिएगा विद द ऑफिशियल आंसर की जो उसकी आई थी। कई बार कई ऑफिशियल पेपर से गलत आंसर्स भी कहीं पर दिए हुए रहते हैं, तो आपको यही एडवाइस है कि आप ऑफिशियल पेपर कीजिएगा और उसी टाइम फ्रेम के अंदर पूरे चैप्टर्स को आप एक साथ अटेम्प्ट करिएगा, पूरे पेपर को एक साथ। अगर आप दो शिफ्ट का पेपर एक साथ नहीं कर सकते एक दिन के अंदर, आप एक ईयर के पेपर के दो पेपर्स को आप एक बार में एक को अटेम्प्ट करके दीजिए, ट्राई कीजिएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। और इससे क्या होगा, आपको एक एनालिसिस पता चलेगा अपने बारे में कि मेरे कौन कौन से चैप्टर अभी स्ट्रांग वाली लाइन में है, कौन कौन से नहीं है, और दूसरा एग्जामिनर का जो थॉट प्रोसेस होता है वो इन चैप्टर्स में चैप्टर्स की मिक्सिंग कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि अभी आपको आदत है सिंगल चॉइस क्वेश्चंस करने की और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स करने की। अब जब जेई एडवांस की तरफ जाओगे तब आपको मैच द कॉलम पैसेज जो होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाला, वो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो सबसे अच्छी और प्रो टिप यही है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 10 to 12 इयर्स के हैं जेई एडवांस के, उनको अटेम्प्ट करिए। अगर आपको ऑफिशियल नहीं मिलते या तो आप वेबसाइट से ले लीजिए, अगर वहां से नहीं मिल रहे हैं आपको तो विद सॉल्यूशन आप मेरी वेबसाइट से भी ले सकते हैं upliftmaths.com जो डिस्क्रिप्शन में भी है। तो सबसे पहला काम तो आप यही करिए कि जितने भी पेपर्स हैं जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं जेई एडवांस के, विद इन ए वीक 7, 8, 10 डेज के अंदर सबसे पहले इनको फिनिश कर लीजिए, ताकि हम जेई एडवांस के जो एग्जामिनर्स हैं उनके माइंड में किसी चैप्टर्स को लेके कौन से टॉपिक्स की प्रायोरिटीज सेट हैं उसको हम समझ पाए और इंटरमिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स को कनेक्ट कर पाए। मिलते हैं फिर दूसरे किसी सेशन के अंदर, हम टेक केयर।